हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नंद एकेडमी। आज हम आप लोगों के बीच में क्लास 10 सीबीएसई का इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्फेरिकल मिरर को लेकर प्रेजेंट हुए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्लेन मिरर के बारे में स्टडी किया था। ये जो प्लेन मिरर है और आपका स्फेरिकल मिरर है, हमने आपको ये बताया कि ये मिरर के ही दो पार्ट हैं। मिरर आपका कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक टाइप आपका क्या होता है? प्लेन मिरर। और दूसरा वाला टाइप आपका क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। हमने एक बार हम उसको रिकॉल कर देते हैं कि आपका ये जो प्लेन मिरर होता है, एक आपके पास प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अगर आप उस प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम के एक साइड को या वन सरफेस को क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक, तब वो आपका क्या बन जाता है? प्लेन मिरर। अब यहाँ पे होगी आपकी क्या? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जैसे आपने प्लेन मिरर में पढ़ा, प्लेन मिरर, मिरर के पहले आपका क्या आया? प्लेन, यानी सरफेस आपका कैसा था, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम आपका कैसा था। ट्रांसपेरेंट मीडियम जो था आपका वो प्लेन था। यहाँ पर नाम अगर आप देख पा रहे हैं तो कैसे आ रहा है? स्फेरिकल मिरर, यानी मिरर से पहले क्या आ रहा है आपका? स्फेरिकल। यानी हम ये कहें तो आपका यहां पर ट्रांसपेरेंट मीडियम कैसा होगा? ये जो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा ये स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल मीडियम होगा। उसमें आपका क्या था? वो आपका प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम था। हमने जब प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम के एक सरफेस को, एक साइड को पेंट किया तो हमने क्या पाया? प्लेन मिरर। यहां पर हम क्या करेंगे, एक हमारे पास स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। अगर हम स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम के एक सरफेस को पेंट करेंगे तब हमको क्या मिलेगा? स्फेरिकल मिरर। यानी हम ये सिंपल कहें कि यदि हम, यानी अगर हम किसी स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम के एक सरफेस को पेंट कर दें तब जो हमारा मिरर बनता है उस मिरर को हम क्या कहते हैं? उस मिरर को हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। उसमें हमने क्या कहा था? प्लेन सरफेस, प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम के एक सरफेस को क्या करा था? पेंट करा था, तो हमको क्या मिला था? प्लेन मिरर। यानी हम ये कहें, आप देखिए स्फेरिकल सरफेस, सपोज करिए आपके पास एक स्फेरिकल हालो ग्लास है। जैसे ये आपका क्या हो गया, एक आपका ये हालो स्फीयर है, स्फीयर से आप समझ पा रहे होंगे, ये आपका हालो स्फीयर है। स्फीयर मींस जैसे आपके पास बॉल होता है, ये आपका हालो है, ठीक, ये आपका हो गया हालो स्फीयर, ठीक। आप देख पा रहे हैं कि ये हालो स्फीयर है और ये ट्रांसपेरेंट भी है। ये क्या है आपका? ट्रांसपेरेंट ग्लास है। क्या है आपका? ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास। ट्रांसपेरेंसी से आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हम इस हालो स्फीयर को लेकर के अगर ऐसे देखेंगे, अगर हम इस साइड से देखेंगे तो उस साइड वाली ऑब्जेक्ट हमको क्या होगी? पूरी तरह से दिखेगी। यानी दिखेगी, इसका मतलब लाइट जो इस हालो स्फीयर पर इंसिडेंस होगी वो लाइट हमारी क्या करेगी? पास आउट होकर जा सकेगी। चलिए ठीक सर, अब ये आपका क्या हो गया? हालो स्फीयर। और ये क्या हो गया आपका? ट्रांसपेरेंट ग्लास। यानी हम ये सिंपल कहें कि आपका क्या है? हालो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यानी स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम। चलिए अब आपका ये क्या हो गया? स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब इस स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम को अगर हम लोग देखें तो यहां पे हम इसके एक सरफेस को क्या कैसा है, अगर हम इसको ध्यान से समझिए इस बात को, जैसे इस ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम को ऐसे देख रहे हैं, तो एक सरफेस आपका ये होगा जो आपको दिख रहा है, सेकेंड वाला सरफेस आपका पीछे होगा जो आपको नहीं दिखेगा, यानी बैक साइड में। यानी हम ये कहें एक सरफेस हमारे फ्रंट पे होगा, एक सरफेस हमारे क्या होगा? बैक में होगा। यानी हम सिंपल ये कहें कि इसमें भी हमारे क्या करें कि दो सरफेस हमको देखने को मिल सकते हैं। हम किसी भी तरीके से देखें हमको दो सरफेस देखने को समझ में आता है, देखने पर समझ में आता है कि एक हमको जो दिखाई देता है, दूसरा जो हमको दिखाई नहीं देता। चलिए दोनों में डिफरेंस क्या है उसको देखते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी हालो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है आपका, इसको हम आगे से क्या करते हैं, इसे कट कर लेते हैं। सपोज करिए पहले यहां से कट करा हमने, इसको जब हमने कट करा
तो क्या करा है? इस वाले पार्ट को कट करने के बाद इस वाले पार्ट को हमने क्या करा, ऐसे बाहर निकाल लिया। ठीक, आप देख पा रहे हैं इसी हालो ट्रांसपेरेंट जो आपका ग्लास है, स्फेरिकल जो ग्लास है आपका, इसी में से हमने यहां से कट करा, एक पार्ट को निकाल के यहां रखा। चलिए अब हम इसी को इस साइड से कट कर लेते हैं, ऐसे इसको लेकर के हमने यहां पे रखा कुछ इस तरीके से। ठीक, ये हो गया आपका। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका स्फीयर है, ये सर, ये जो आपका स्फीयर में से हमने ये जो पार्ट काटा, एक ये दूसरा वाला ये, हम चाहें तो इसको यहां पर क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। यहां पर भी हम इसको पेंट कर सकते हैं। दोनों पार्ट में हमने जिस सरफेस को पेंट करा है आप देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, जिसको हम पेंट करते हैं उसको हम नाम देते हैं पेंटेड सरफेस। क्या नाम देते हैं आपका? पेंटेड सरफेस। तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? पेंटेड सरफेस। ठीक सर, ये आपका जब पेंटेड सरफेस हो गया, अब आप अगर एक तरीके से सोचे तो हमने मिरर के डिफिनेशन में आपको बताया हुआ है कि जैसे ही हम किसी एक सरफेस को पेंट करते हैं वो मिरर बन जाता है। वो क्या हो जाता है? मिरर। अगर एक पेंटेड सरफेस है, दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन सरफेस। ये आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्शन सरफेस। ये भी आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्शन सरफेस। ये इधर, ये भी आपका हो गया रिफ्लेक्शन सरफेस। ठीक, यहां पे आप देख पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, दोनों में अभी डिफरेंस की बात नहीं करते हैं हम, अभी बस ये बात करते हैं कि हमने ये जो आपका हालो ट्रांसपेरेंट ग्लास था, हमने इसके एक सरफेस को जब हमने यहां से लिया तब भी एक सरफेस को पेंट करा, यहां से लिया तब भी एक सरफेस को पेंट करा। अगर इस चीज को हम यहीं देखें, ध्यान से समझिए, अगर इस चीज को हम यहीं देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इसको यहां पे पेंट करा, यानी हमने एक साइड को यहां पे पेंट करा और दूसरा तरीका हमारे पास यहां पर भी, हम यहां पर भी पेंट कर सकते हैं। इस साइड को हम देखेंगे तो ये भी आपका मिरर की तरह एक्ट करेगा, इसको देखेंगे ये भी मिरर की तरह एक्ट करेगा। यानी जब हम किसी भी स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम के एक साइड को पेंट करते हैं तब हमको कौन सा मिरर मिलता है? स्फेरिकल मिरर मिलता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। लिख सकते हैं इसको हम लोग, व्हेन वी पेंटेड अ स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम, स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन द सिस्टम इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? स्फेरिकल मिरर। अगर आप देख पा रहे होंगे जब हमने इस स्फेरिकल मिरर को क्या करा, दो पार्ट में कट कर दिया, एक आपका ये हो गया, दूसरा वाला आपका क्या हो गया? ये हो गया। जरा प्लेन मिरर के बारे में सोचिए, ये आपका क्या था? प्लेन मिरर था। प्लेन मिरर में आपका ये क्या था? पेंटेड सरफेस था। ये आपका क्या था? रिफ्लेक्शन सरफेस। ठीक, आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन सरफेस आपका क्या है? पूरी तरह से प्लेन था, लेकिन यहां पर जो रिफ्लेक्शन सरफेस है आपका क्या है? कर्व है। यहां पर जो आपका रिफ्लेक्शन सरफेस है ये क्या है? कर्व है। यानी हम ये कहें कि जो आपका प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में आपका रिफ्लेक्शन सरफेस क्या था? प्लेन था। लेकिन स्फेरिकल मिरर की बात जब आप करेंगे
तो स्फेरिकल मिरर में आपका जो रिफ्लेक्शन सरफेस है आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, कर्व सरफेस है। यानी आप ये कह सकते हैं कि द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन सरफेस आर कर्व्ड इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। आप चाहे तो एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं कि द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन सरफेस आर कर्व्ड इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। दोनों तरीके से आप बात को समझ सकते हैं, स्फेरिकल मिरर। एक आपने क्या कहा कि जब किसी हम स्फेरिकल मिरर के एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम के एक सरफेस को पेंट करते हैं तो हमको जो मिलता है वो स्फेरिकल मिरर होता है। दूसरा आपने क्या कहा, दूसरा आपने ये कहा कि द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन सरफेस आर कर्व। आप देख पा रहे हैं ये इधर कर्व है, आप देख पा रहे हैं ये इधर कर्व है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कर्व सरफेस में डिफरेंस क्या है? आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका रिफ्लेक्शन सरफेस है, ये जो कर्व है आपका इनवर्ड है, और ये जो कर्व है आपका, ये आपका क्या है, इनवर्ड साइड में कर्व है, ये आपका क्या है, आउटवर्ड साइड में। यानी जो रिफ्लेक्शन सरफेस है आपका, एक क्या है इनवर्ड है, वो कर्व है किसमें, इनवर्ड में, अब दूसरा वाला कर्व क्या है, आउटवर्ड कर्व है। तो हम देख पा रहे हैं स्फेरिकल मिरर में ही, जो आपका स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर में ही आपको दो टाइप के कर्व सरफेस देखने को मिलते हैं। दो टाइप के कर्व सरफेस देखने का मतलब आपका यह है कि कर्व सरफेस जो है आपका, रिफ्लेक्शन सरफेस जो है आपका, वो एक बार इनवर्ड साइड में कर्वड है, और जो आपका रिफ्लेक्शन सरफेस है वो एक बार आउटवर्ड, मतलब एक बार इनवर्ड साइड में, एक बार आउटवर्ड साइड में, वो क्या है, कर्वड है। जब वो इनवर्ड साइड में कर्वड होता है तब ये वाला जो आपका इनवर्ड साइड में जो कर्वड है, ये वाला आपका जो स्फेरिकल मिरर होता है, इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। और जो आपका आउटवर्ड साइड में कर्व है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपके पास स्फेरिकल मिरर भी कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का। स्फेरिकल मिरर भी कितने टाइप का हो गया आपका, दो टाइप का हो गया। एक आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, और दूसरा वाला आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। आप कॉनकेव मिरर किसको कहेंगे, आप कॉनकेव मिरर ये कहेंगे कि द स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व्ड इन इनवर्ड, या फिर हम ये कहें कर्व्ड इनवर्ड, इनवर्ड साइड। आपका रिफ्लेक्शन सरफेस क्या होता है, इनवर्ड साइड में कर्व होता है। फिर आप दूसरा तरीका क्या कह सकते हैं दूसरे मिरर के लिए, कि द स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व्ड इन आउटवर्ड साइड। यानी एक में आपका क्या है, इनवर्ड साइड में कर्व है, दूसरा वाला स्फेरिकल मिरर आपका क्या है, आउटवर्ड साइड में कर्व है। तो जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्शन सरफेस इनवर्ड में कर्व है उसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्शन सरफेस आपका आउटवर्ड कर्व है उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। चलिए इस बात को लिख लेते हैं, आप चाहे तो फिगर को नोट कर सकते हैं, ये आपका कॉनकेव मिरर है, आपका ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर आपका क्या है, इनवर्ड साइड में कर्व है, और कॉन्वेक्स मिरर आपका क्या है, आउटवर्ड साइड में, इसका जो रिफ्लेक्शन सरफेस है वो कहां है, आउटवर्ड साइड में कर्व है। यानी हम ये कहें टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर की, जब हम टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर जो होगा आपका, देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी आप जब लिखेंगे टाइप ऑफ
स्फेरिकल मिरर, तो क्या कहेंगे आप? देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक, अब इस दो टाइप का जो आपका स्फेरिकल मिरर है, इन दो टाइप में आपका फर्स्ट क्या है? आपका कॉनकेव मिरर। सेकंड आपका क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। पहले तो ये समझिए, आपका स्फेरिकल मिरर, जब हम किसी स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम के एक साइड को पेंट करते हैं तो हमको स्फेरिकल मिरर ऑब्टेन होता है। अब आप ध्यान दीजिए कि उस स्फेरिकल मिरर में अगर आपका रिफ्लेक्शन सरफेस इनवर्ड साइड में कर्व है, इनवर्ड साइड में कर्व है, तब आपको कॉनकेव मिरर मिलेगा। उस स्फेरिकल मिरर में यदि आपका रिफ्लेक्शन सरफेस आउटवर्ड साइड में कर्व है तब आपको क्या मिलेगा? कॉन्वेक्स मिरर। फिगर को आप बना सकते हैं, फिर हम डेफिनेशन को लिखते हैं। ठीक, चलिए पहले हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट आपका लिखते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आप लिखेंगे द स्फेरिकल मिरर द स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन सरफेस इन विच रिफ्लेक्शन सरफेस इनवर्ड साइड इनवर्ड साइड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ये आपका क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। ठीक, दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा आपका क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आपका क्या हो जाएगा? द स्फेरिकल मिरर द स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व इन आउटवर्ड साइड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका क्या हो गया? कॉनकेव मिरर क्या हो गया? द स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व्ड इन इनवर्ड साइड। ठीक, ये आपका इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, जिसमें रिफ्लेक्शन सरफेस आपका क्या होगा? इनवर्ड साइड में कर्व होगा, वो आपका क्या होगा? कॉनकेव मिरर होगा। और जिसमें आपका क्या हो जाएगा? आउटवर्ड साइड में होगा, वो आपका क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। जैसे आपका क्या हो गया? पेंटेड सरफेस, एक बार फिर से देख लीजिए, और ये आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्शन सरफेस। ठीक, यहां पे आप इसको पेंट जब करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? पेंटेड सरफेस,
और ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन सरफेस। आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन सरफेस यहां पर जो है आपका क्या है, इनवर्ड में है, और यहां पे आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन सरफेस आपका क्या है, आउट वर्ड में है। ये आपका कौन सा मिरर है, आपका कॉनकेव मिरर। ये आपका कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो इस तरीके से आपका स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के दोनों टाइप कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर को आपने क्या हुआ स्टडी किया। तो कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। फिर से हम आपको बता देते हैं कि ट्रांसपेरेंट सॉरी स्फेरिकल मिरर आपका क्या होता है, कि यदि हम जब हम किसी स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम के, स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट आपका कोई ग्लास है उसके एक साइड को पेंट करते तो आपको स्फेरिकल मिरर मिलता है। अब उस स्फेरिकल मिरर में अगर आपका रिफ्लेक्शन सरफेस इनवर्ड साइड में है, तब इनवर्ड साइड मतलब दबे हुए भाग में, हम सिंपल कहें कि अगर वो दबे हुए पार्ट में है तब आपका कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन सरफेस आउटवर्ड साइड यानी उभरे हुए, अगर जो आपका उभार है ये बल्गिंग है ये उभरे हुए भाग में अगर आपका है तो आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। आप चाहे तो इसको एक सेकंड के लिए नोट कर सकते हैं। अब हम आपको स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने स्फेरिकल मिरर को पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। उस कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर यानी हम ये कहें स्फेरिकल मिरर जो है आपका उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक करके हम देखेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, फिर आपको दिखाते। जैसे आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर अगर आप देखें तो आपका आया कहां से, ये कुछ इस टाइप का आपका क्या था, एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम था, कुछ इस टाइप से आपका स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम था। आपने इसके एक सरफेस को क्या करा, ऐसे पेंट करा, अब ये आपका क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। ये आपका क्या हुआ, सपोज करिए आपके पास ये था एक कॉन्वेक्स मिरर, आपने एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करा, अब यहां से आप इसको क्या करेंगे, ये भी क्या था, किसी एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम का पार्ट था, हमने उसी से इसको निकाला। चलिए इसको आप क्या करते हैं, यहां से पेंट जब आप कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया आपका क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये चीज हो गई आपकी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर आपका किस स्फेरिकल पार्ट से निकला हुआ है आप देख पा रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर भी आपका किस स्फेरिकल पार्ट से निकला हुआ है आप ये भी देख पा रहे हैं। ठीक, तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट जो होता है आपका, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट वो होता है सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अब आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स बता देते हैं, एक पॉइंट खाली, कर्व एंड कर्वेचर, आपका कर्व और कर्वेचर में डिफरेंस क्या होता है। जैसे आपका क्या है, हमने आप इसको क्या कहा, एक पूरा स्फीयर कह दिया,
सॉरी आप ये कहें कर्वेचर किसको कहते हैं, कर्व और कर्वेचर के बीच में डिफरेंस बहुत लंबी आपके लिए हो जाएगी, इसलिए आप बस यहाँ ये जानिए कर्व क्या होता है। जैसे आपने ये देखा कर्वेचर क्या होता है, जैसे आपने इसको ये देखा, यहां से हमने इसके एक पार्ट को ऐसे कट कर लिया, ये आपका जो निकला ये पूरा आपका क्या था, कर्व सरफेस था। आपका क्या था, पूरा कर्व सरफेस था। लेकिन इसी कर्व सरफेस में, ये आपका कर्व सरफेस है, इसी कर्व सरफेस में हमने एक पार्ट को निकाल लिया, अब इसको आप कह सकते हैं यही आपका क्या कहा जाता है, कर्वेचर। ये आपका क्या कहा जाता है, कर्वेचर। अगर आप सोचें तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आपका क्या बना है, उसी स्फेरिकल पार्ट में से हम एक पार्ट को क्या कर देते हैं, निकाल लेते, उसी स्फेरिकल स्फीयर में से सॉरी क्या करते हैं, एक पार्ट हम निकाल लेते हैं। ये आपका अगर सोचेंगे आप, ये क्या हो जाता है आपका, एक कर्वेचर। ये भी आपका क्या है, एक कर्वेचर। तो ये जो कर्वेचर आपको मिलता है इसका सेंटर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा उसको समझिए। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वह सेंटर ऑफ कर्वेचर वही होता है जिस स्फेरिकल मिरर से या जिस स्फेरिकल पार्ट से वो हमारा स्फेरिकल मिरर बना हुआ है। जैसे हमने ये कहा कि इस कॉनकेव मिरर के अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, तो इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यानी ये जो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वही इस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यानी हम ये कहें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वह वही होता है जो जहां से वह स्फेरिकल मिरर हमारा जिस ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल पार्ट से स्फेरिकल मिरर हमारा लिया गया है, उस ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल जो आपका पार्ट है उसी के सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी हम ये कहें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास, स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास विच पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिसका क्या होता है, स्फेरिकल मिरर हमारा क्या होता है, पार्ट होता है। मतलब आप ये लिख सकते हैं इस बात को, सेंटर ऑफ, एक सेकेंड, चलिए देखिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख ले इस बात को, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज क्या है आपका, इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ग्लास। यह जो आपका हॉलो स्फीयर ग्लास है, यानी हॉलो स्फीयर जो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ग्लास ऑफ विच ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। बात क्लियर। यानी आप ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। यानी हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, जिस हॉलो स्फीयर यानी जिस स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम का पार्ट होता है, उसी स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम के सेंटर को हम स्फीयर का सॉरी हम मिरर का स्फेरिकल मिरर का क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने लिखा इस बात को, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इज मतलब है द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। यानी वो जो हॉलो स्फीयर प्लेन जो आपका स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो सेंटर है, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, जिससे मिरर आपका बनाया गया। जैसे हमने क्या करा, एक ऐसे बड़ा सा स्फीयर लिया,
इस स्फीयर से हमने एक कट करके क्या बना दिया, एक मिरर बना दिया। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही उस मिरर के लिए भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी इस स्फीयर का सेंटर क्या कहलाएगा, उस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी आप देख पा रहे हैं ये जो आपका स्फीयर है, इस स्फीयर का जो आपका सेंटर है वो क्या है आपका, सपोज करिए ये है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ये जो सी होगा आपका, ये क्या होगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कहां होगा, यहां होगा। यानी कॉनकेव मिरर का जो आपका स्फेरिकल, जिस इस हॉलो स्फीयर से बना कॉनकेव मिरर तो इसका सेंटर यहां, इस हॉलो स्फीयर से बना कॉनवेक्स मिरर तो इसका सेंटर यहां। आप कॉनकेव और कॉनवेक्स में डिफरेंस देख पा रहे हैं कि कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्शन सरफेस के इन फ्रंट है और यहां पे रिफ्लेक्शन सरफेस के बिहाइंड है। दोनों में डिफरेंस है आपका, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस, बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द रिफ्लेक्शन सरफेस। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, नोट कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, इज इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस। कहां है आपका, रिफ्लेक्शन सरफेस, बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द रिफ्लेक्शन सरफेस, बात क्लियर। आप देख पा रहे हैं आपका रिफ्लेक्शन सरफेस है, लिख सकते हैं आप इसको, ये भी आपका क्या है, रिफ्लेक्शन सरफेस है। आपने देखा कि कॉनवेक्स में, सॉरी कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका रिफ्लेक्शन सरफेस के सामने है और कॉनवेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका रिफ्लेक्शन सरफेस के पीछे है। ये चीज हो गई आपकी। ठीक, दूसरी चीज आपकी क्या हो गई, सेकेंड पॉइंट, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर सेकेंड पॉइंट आपको बताते हैं। दूसरा जो है आपका सेकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी ये जो आपका होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हेडिंग डालते हैं। सेकेंड आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, सेम है, जैसे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखा, सेम आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर, हालो स्फीयर का सेंटर आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी हालो स्फीयर का, जिस हालो स्फीयर से हमारा स्फेरिकल मिरर ऑब्टेन किया गया है, बनाया गया है, उसी स्फेरिकल मिरर के रेडियस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी हम ये कहें, यहां से इस रेडियस की बात करें तो सिंपल आपका क्या होता है, ये चीज, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आप शो करते हैं किससे, कैपिटल आर से, किससे शो करते हैं, कैपिटल आर से। सॉरी अब इसको मत करिए, जब जरूरत पड़ेगी तो किया जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा इसमें।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में आप लिख सकते हैं, यहां पर देखिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा आपका, ऐसे, ठीक। तो आप लिख सकते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, लिख सकते हैं आप द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास, हॉलो स्फेरिकल ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। सेम, तो आपका क्या हो गया, जिस स्फेरिकल मिरर से आपका मिरर बनाया गया है, सॉरी जिस स्फेरिकल हॉलो स्फीयर से आपका मिरर बनाया गया है, उसके रेडियस को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अगली पॉइंट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, पोल, पोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब हम पोल के बारे में बात करते हैं तो आपका पोल क्या होता है जरा उसको समझिए। जैसे आपका क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर, आप पूरे हॉलो स्फीयर के बारे में मत सोचिए, आप बस सोचिए उस कॉनकेव मिरर के बारे में और उस कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, इस कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, इस कॉनकेव मिरर का क्या होगा आपका, जो मिड पॉइंट होगा, सपोज करिए मिड पॉइंट आपका यहां है और इसमें मिड पॉइंट आपका क्या है, यहां है, यानी कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पोल, वो आपका क्या होता है, पोल, हम उसी को क्या नाम देते हैं, पोल नाम देते हैं। चलिए लिख सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ The midpoint of spherical mirror is called pole. Is called pole of spherical mirror. ठीक, अगर आप figure में कहें तो in figure P इज पोल, P आपका क्या है, पोल है। अगर आप सेंटर ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर फिगर में कहें तो कह सकते हैं इन फिगर CP, ऐसे लिख सकते हैं CP इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, CP आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे एक तरीका और रेडियस ऑफ कर्वेचर को और कह सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान से समझिए, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप यहां से एक डेफिनेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर की और फाइंड कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, लिख सकते हैं आप यहां पर द डिस्टेंस The distance between center of curvature and pole of mirror is called radius of curvature. आप इसको radius of curvature कह सकते हैं, रेडियस ऑफ, ठीक। यानी आप सिंपल कहें, तीन तरीका, आप तीन चीजें आपने देखा, एक क्या देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमने क्या देखा कि जिस स्फेरिकल मिरर से हमारा मिरर बना, सॉरी जिस स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जिस हॉलो स्फीयर से हमारा मिरर बना हुआ है उसको हम लोग क्या कहते, उसके सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, और उसी
हालो स्फीयर के रेडियस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको आप क्या कहते हैं, पोल ऑफ मिरर। उसी दूसरे तरीके से द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर इज आल्सो नोन एज, सॉरी आल्सो कॉल्ड इज, क्या हो जाता है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब ये डिनोट कैसे होता है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। किसी किसी बुक में आपको स्मॉल आर भी मिलेगा, इसके लिए हैरान होने की जरूरत नहीं है। चलिए तो अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं कि आपका अगला टर्म क्या होता है। जैसे आपने क्या देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा, अब पोल देखा। अब अगले टर्म की ओर चलते हैं, नंबर फोर। नंबर फोर आपका कौन सा टर्म होता है उस पे आते हैं, ठीक ठीक। यहां से आप देखें तो ये आपका क्या हो गया, कैपिटल आर। यहां पर भी आपका क्या हो गया, आप कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, यहां पर भी आप इसको लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला टर्म आपका क्या है, अगला टर्म जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से समझिए, प्रिंसिपल एक्सिस नंबर फोर। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्या है, ध्यान से समझिए इस बात को। जैसे आपने ये मिरर का पोल देखा और आपने ये मिरर का सेंटर देखा, पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर को लाइन जो ज्वाइन करेगी, द लाइन ज्वाइनिंग, यानी पोल और सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे आपका क्या हो गया, ये आपका ये पोल हो गया, इसको लाइन कौन ज्वाइन कर सकती है, यहां तक। ये आपका लाइन कौन ज्वाइन कर सकता है, ऐसे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे आप लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिए इस बात को, जो सीपी है आपका, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट लाइन ज्वाइनिंग द सी एंड पी, लाइन मतलब ये इधर कहीं भी जा सकता है, इधर भी कहीं भी जा सकता। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे इस बात को, लाइन का मतलब ये इधर कहीं भी जा सकता है और डिस्टेंस का मतलब खाली सी और पी के बीच में, ठीक। तो लाइन जो ज्वाइन करती, सी और पी को जो लाइन ज्वाइन करते हुए जाती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। लिख सकते हैं इस बात को, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इन फिगर लाइन सीपी, लाइन सीपी की बात हो रही, ध्यान दीजिए, लाइन सीपी इज प्रिंसिपल एक्सिस। जो आपका लाइन सीपी है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन सीपी नहीं, लाइन सीपी वो आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, नंबर फिफ्थ आपका जो है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, अपार्चर ऑफ मिरर।
चलते हैं अपार्चर ऑफ मिरर की ओर। हम अपार्चर किसको कहेंगे? बड़े सिंपल चीज है। जैसे आप इस सर्कल पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सर्कल पे आइए। जब आप ऐसे सर्कल पढ़ते हैं, आप इसको कहते हैं कॉर्ड है। जैसे ये ए है और बी है, इसको आप कहते हैं कॉर्ड। ये और बड़ी कॉर्ड हो जाती है। ये जो सेंटर से जाता है, इसी को हम क्या कह देते हैं? डायामीटर। इसी को हम क्या कह देते हैं? डायामीटर। ठीक, ये जो डायामीटर है आपका, यानी यहां से अगर हम लोग बात करें इसकी, तो आपका क्या होगा? कॉर्ड होगा। अगर डायामीटर की बात करेंगे तो कहां से कहां तक जाएगा आपका? मिरर के डायामीटर की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, स्फीयर के डायामीटर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मिरर के डायामीटर की। तो आपका मिरर का एंड आपका यहां से लेके यहां तक है, M1 ले लेते हैं, आपका क्या लेते हैं? M2। और यहां पर देखेंगे मिरर का एंड आपका कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक। इसको M1 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं? M2। यानी जो मिरर का डायामीटर है, द डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपार्चर, अपार्चर ऑफ मिरर। तो अपार्चर आप किसको कहेंगे? डायामीटर। यानी M1 और M2 के जो डिस्टेंस है, M1 और M2 के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? M1 और M2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अपार्चर ऑफ मिरर। लिख सकते हैं इस बात को, द डायामीटर ऑफ, द डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर द डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपार्चर ऑफ मिरर। फिगर की अगर हम बात करें तो M1 M2 इज अपार्चर ऑफ मिरर। ये आपका क्या हो जाएगा? अपार्चर। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका क्या होगा? अपार्चर ऑफ मिरर। ठीक, ये आपका क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे आपका ये क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? अपार्चर। ठीक ठीक, ये चीज हो गई आपकी अपार्चर। ठीक, तो इस तरीके से आपने स्फेरिकल मिरर के इंपॉर्टेंट टर्म्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, और अपार्चर ऑफ मिरर क्या होता है, उसको आपने देखा। अगले टर्म की ओर चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, तब चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, अब अगला टर्म जो है आपका नंबर सिक्स, अगला टर्म जो है आपका वो है फोकल प्लेन। ध्यान से समझिए, फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है इसको हमने आपको बताया। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज करिए प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन पास करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन पास करती है, और ध्यान से देखिए, अभी आपको इसके पहले, इसके पहले आपका क्या होगा? जैसे फोकल प्लेन,
एक लाइन आपकी क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पास हो रही है। यहां पर भी आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन क्या होती है, पास आउट होती है। ठीक, तो अभी आप जस्ट इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में एक छोटी सी टॉपिक आप देखेंगे, प्रिंसिपल फोकस। वो आपका जो प्रिंसिपल फोकस होगा, वो प्रिंसिपल फोकस आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में मिलेगा। वो आपको अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ना है, उसको इसलिए नहीं बता जा रहा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपका। तो प्रिंसिपल फोकस की क्या होगा, बीच में होगा। प्रिंसिपल फोकस आपका कहां होगा, सी और पी के बीच में। तो हमारा ऐसा कोई लाइन हो जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो। द परपेंडिकुलर लाइन विच आर पास्ड थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। मतलब हमारा ऐसा, ऐसे भी सिंपल कह सकते हैं कि द लाइन विच आर पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। यानी आप फिगर को अगर आप बनाना चाहेंगे तो आपका कहां बनेगा, ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाते हैं कि आपका फोकल प्लेन कहां आएगा, यहां पे, सॉरी, ये आपका फोकल प्लेन यहां आएगा, ये इस तरीके से, ये आपका क्या हो जाएगा, फोकल प्लेन। इसमें अगर आप देखेंगे तो फोकल प्लेन आपका कुछ यहां आएगा। अगर आप इसको एफ ले लें, यहां पे मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस, तो आपका फोकल प्लेन यहां आएगा। ठीक, यानी सिंपल ये कहें कि द लाइन विच आर पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। लिख सकते हैं आप इस बात को, द लाइन विच आर पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इज कॉल्ड फोकल प्लेन। फोकल प्लेन यानी अगर इस फिगर को इरेज करके आपको दिखाना चाहें उस बात को, तो देख पाएंगे आप, जैसे आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका स्फेरिकल यानी कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर, ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक, तो इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, फोकस। अभी जस्ट इसके वाले वीडियो में आप देखेंगे, हैरान ना होइएगा, बस यहां ये जानिए कि सी और पी के बीच में आपको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल फोकस मिलेगा। अब इस प्रिंसिपल फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन हमारी पास करेगी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, फोकल प्लेन। इसको हम क्या कहेंगे, फोकल प्लेन। ठीक, अगर यहां की बात करें हम लोग, कॉन्वेक्स की बात करें, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है, यहां पे आपको सपोज करिए एफ मिलता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर भी ये परपेंडिकुलर, इसको आप क्या कहेंगे, फोकल प्लेन। क्या कहेंगे, फोकल प्लेन, ये आपका क्या हो जाएगा, फोकल प्लेन। ठीक,
ये हो जाएगा आपका फोकल प्लेन, यानी जो लाइन हो आपकी क्या जो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, उसको आप क्या कहेंगे, फोकल प्लेन कहेंगे। ठीक, अगली जो टॉपिक है आपकी, नॉर्मल। अगली टॉपिक आपकी क्या है, नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल को समझिए, बड़ा बढ़िया पॉइंट है, बड़ा यूज होगा इसका आपका रे डायग्राम में। नॉर्मल सपोज करिए आपका ये मिरर है, इस मिरर से जो कोई भी पॉइंट होता है, जैसे यहां से हमने इस मिरर से ये पॉइंट ले लिया, मिरर पर एक पॉइंट कोई भी ले लिया, और ये पॉइंट अगर आपका कहां से जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है। ठीक, तो ये जो लाइन होता है आपका, ये लाइन इस मिरर पर क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये लाइन क्या होता है इस मिरर पर आपका, नॉर्मल होता है। यानी यहां से आप देखेंगे एक पॉइंट कोई ले लीजिए, उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराइए, तो ये आपका लाइन जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। समझ आया नहीं समझ आया, ये आपको ये होता है आपका नॉर्मल। यानी हम ये कहें कि द लाइन ज्वाइन, ध्यान से समझिए, द लाइन ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एनी पॉइंट ऑन स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एनी पॉइंट ऑन स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल, या हम ये कह सकते हैं इज ऑलवेज नॉर्मल ऑन स्फेरिकल मिरर। सिंपल लिख सकते हैं हम लोग, द लाइन ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर इज नॉर्मल, या एक्चुअली इज कॉल्ड नॉर्मल, अगर आप इसको n से डिनोट कर दें तो आप लिख सकते हैं इन फिगर सी एन इज नॉर्मल। ठीक, ये हो गया आपका नॉर्मल। तो इस तरीके से आपने स्फेरिकल मिरर के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, उस इंपॉर्टेंट टर्म से आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अपार्चर क्या होता है, ठीक, फोकल प्लेन क्या होता है आपका, नॉर्मल क्या होता है, इन सारी चीजों को आपने जाना। ठीक, अगले वीडियो लेक्चर में हम इसी इंपॉर्टेंट टर्म्स में से स्फेरिकल मिरर का एक इंपॉर्टेंट टर्म, दो इंपॉर्टेंट टर्म आपका और छूट रहा है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।